इंदौर में लगातार चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के सुकलिया का है, जहां नेवी के रिटायर्ड अधिकारी के वहां शातिर चोरों ने घर में रखे 10,50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। फिलहाल मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां सुकलिया में रहने वाले रिटायर्ड धर्मेंद्र सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकले थे। घर के बाहर ही अक्सर वह ताला लगाकर चाबी आसपास छुपा कर रखते थे। घात लगाकर शातिर चोर ने जैसे ही धर्मेंद्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, घर में घुसकर चाबी का दुरुपयोग कर घर में रखे सूटकेस से 10,50,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद तत्काल फरियादी द्वारा थाने पर शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संभवतः जान पहचान के व्यक्ति ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस बिंदु पर भी अपनी जांच कर रही है। दरअसल ये सुखलिया के सी सेक्टर का एक प्रकरण है, जिसमें आज प्रातः लगभग 5 बजे एक रिटायर्ड अधिकारी जो कि टेक्नीशियन थे आर्मी बेस कैंप में, एयरफोर्स में, और वो रिटायर होकर के यहाँ अकेले रहते हैं। उनके साथ उनके नौकर नौकरानी भी रहते हैं, जो कि वर्तमान में छुट्टी पर थे। अब वह प्रातः 5 बजे घूमने डेली जाया करते हैं और घर में बाहर से ताला लगा कर चाबी वहीं पास में ही घर के बाहर ही छुपा दिया करते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ और आज, लेकिन जब वो वापस लौट के आए और घर में अंदर गए तो देखा कि किसी ने उनकी चाबी का दुरुपयोग कर दिया और उनके घर के अंदर प्रवेश कर उसमें अटैची में रखे हुए उनका नकदी रुपए 10,50,000 रुपए वो चोरी कर लिए हैं। हमने चोरी का प्रकरण अज्ञात आरोपी के ऊपर दर्ज किया है और इसमें विवेचना की जा रही है। बहरहाल पुलिस भले ही उपचुनाव को लेकर बदमाशों की धरपकड़ करने की बात करती हो, लेकिन शहर में लगातार चोरी की घटनाएं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त की पोल खोल रही है। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।